सभी नमस्कार। मुझे आज ही न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा है कि आईओए ने जो अभी एडहॉक कमेटी बनाई थी, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो भी ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर में, 6 पहलवान, इनको ट्रायल में छूट दी गई है। इनकी बस फाइनल ट्रायल होगी। जो पहलवान अपने वेट कैटेगरी, जो इनके वेट कैटेगरी में विजेता होगा, उनके साथ बस ये फाइनल ट्रायल होगी। मेरे को नहीं पता कि आईओ की एडहॉक कमेटी ने क्या मापदंड अपनाए हैं, क्या क्राइटेरिया बनाया है इनका ऐसी ट्रायल लेने का, डायरेक्ट फाइनल ट्रायल लेने का, और वो भी 6 पहलवानों का। अगर आपको ऐसे ही ट्रायल लेनी है तो रवि दहिया है, ओलंपिक का मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। दीपक पुनिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक में 4th प्लेस आई थी। अंशु मलिक है, वर्ल्ड की सिल्वर मेडलिस्ट है, ओलंपियन है। सोनम मलिक है, और भी बहुत से पहलवान हैं जो इस देश में नंबर 1 है। पर बस आपने 6 पहलवानों के लिए ट्रायल में छूट देना मेरी समझ से बाहर है, और ये सरासर गलत है। ऐसा तो आज तक जो पहली फेडरेशन थी उसने भी नहीं किया। जो फैसला आपने लिया है बिना कोई नियम देखे, बिना कोई क्राइटेरिया बनाए, तो मैं सभी हमारे जितने भी पहलवान हैं, ग्रीको रोमन के, फ्री स्टाइल के और लड़कियां, तो आप अपनी आवाज जरूर उठाइए। मैं ये नहीं बोले कि आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आप खूब मेहनत कीजिए, पर आप अपनी आवाज उठाइए, मीडियम के माध्यम से उठाइए। आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए, गृह मंत्री जी को पत्र लिखिए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को पत्र लिखिए, आईओए को आप पत्र लिखिए, और जो ये फैसला है कमेटी का, इसे अवगत कराइए। आज तक के इतिहास में, कुश्ती इतिहास में, कभी किसी फेडरेशन ने भी ऐसे फैसले नहीं किए। उन्होंने ट्रायल, बिना ट्रायल के भी टीम भेजी है, पर वो नंबर 1 टीम भेजी है। ट्रायल में छूट भी दी गई है, पर वो सबके लिए नहीं थी। जो आउटस्टैंडिंग पहलवान था और करंट में जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उसने, ये पहलवान तो लगभग 1 साल से मैच से ही दूर है, शायद 1 साल से ज्यादा हो चुका होगा ये मैच से दूर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। और मेरे, हमारे जितने भी खाप के प्रतिनिधि थे, खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं, आप भी एक बार इस फैसले को जरूर देखिए, क्योंकि इस आंदोलन में आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये जो फैसला है, ये किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा है, वो मेरा मानना है कि कुश्ती के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं है। जो हमारे जूनियर पहलवान हैं, जो भी अभी चैंपियन, अभी वर्ल्ड, एक पहलवान हमारा अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आया है, और ऐसे बहुत से पहलवान हैं, अमन है जो एशिया चैंपियन है, ऐसी लड़कियों में भी फ्री स्टाइल में, ग्रीको रोमन स्टाइल में, तो ये एक बिल्कुल गलत नींव रखने की कोशिश की गई है एडो कमेटी द्वारा। तो हमारी खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन है, तो आप भी एक बार इस हकीकत को जानिए, ये जो प्रदर्शन हुआ था ये यौन शोषण के लिए हुआ था या छूट के लिए हुआ था ट्रायल में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां तक मेरे को पता लगा है, इन पहलवानों ने लेटर लिखा है बायकायदा एडो कमेटी को कि हमें ट्रायल में छूट दी जाए और इस ट्रायल को भी आगे बढ़ाया जाए। जो यौन शोषण के मामले हैं वो कोर्ट में है, कोर्ट उसका फैसला करेगा। जिसने कुछ गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। एक हमारे हरियाणा में एक कुश्ती की कष्ट निवारण समिति बनी थी, जिसके मुखिया, जिसको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे रणबीर ढाका कोच साहब, हरियाणा में बड़े आदर्श उनका नाम लिया जाता है, हम भी बड़ा सम्मान करते हैं उनका, एक ज्ञान कोच साहब जो शैडो कमेटी का हिस्सा है, और उनके रहते हुए फैसला हुआ है। तो आप भी एक बार इस पर विचार कीजिए कि आपने जो कुश्ती की कष्ट निवारण समिति बनाई थी, कमेटी बनाई थी, तो आपने क्या इसके मापदंड रखे हुए थे। और पहलवानों को मैं एक बात और बताता हूं कि ये कुश्ती के लिए मैंने आज ये बातें बोली हैं, और जहां पे कुश्ती के साथ कुछ लगता है मेरे को, तो मैं बोलता हूं, इसमें मेरा कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे राजनीति
पार्टी से हूं मैं तो राजनीति कर रहा हूं, तो मेरा कोई भी दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, और ना मैं ऐसी घटिया और अच्छी राजनीति कभी करता जिससे खेल को नुकसान हो। और आज मेरे को कोई दो लोग भी जानते हैं तो कुश्ती की वजह से जानते हैं, तो कुश्ती के साथ हम ऐसे धोखा नहीं कर सकते। जहां पर कुश्ती को मेरे को लगा कि ये कुश्ती के साथ गलत हुआ है, हमारे जूनियर पहलवान के साथ गलत हुआ है, तो मैंने बोला है आप पहलवानों से एक बात और बोलता हूं, जहां पे अगर मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे को जरूर बताना, पर अपनी आप आवाज जरूर उठाइए, आप सबसे मिलिए, फोन पे बात कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ कि बस छह पहलवानों को ही ट्रायल में छूट दी गई जो जंतर मंत्र पे प्रदर्शन कर रहे थे। उससे अलग भी हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट है, वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन भी हैं, उनको छूट नहीं दी गई है। आपसे बस मैं इतना ही कहूंगा कि जहां पे कुश्ती की बात आती है तो आप अपनी आवाज उठाइए, और भी जितने परिवार वाले हैं ना, पहलवान हैं, जूनियर पहलवान हो गए या सीनियर पहलवान जितने भी हैं हमारे, उनके परिवार वाले से बोलूंगा कि इस हकीकत को आप जानिए और समझिए और कुश्ती के लिए अपनी आवाज उठाइए। और ये जो एडोकमेटी ने ये जो निर्णय लिया है मेरी नजर में बिल्कुल सरासर गलत है, इसका कोई भी पैमाना नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया इसका नहीं बनाया है, इन्होंने डायरेक्ट ये एक जो फैसला लिया है ये बिल्कुल तानाशाही वाला है। ऐसा फैसला तो आज तक किसी फेडरेशन ने भी नहीं लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।